टीम सोल, कहीं इन दो टीम के बीच में सैंडविच सी ना हो जाए, क्योंकि मैप के अंदर हम जरूर देख सकते हैं कि बहुत क्लोज टीम आईएनएस और टीम गॉडलाइक इस वक्त टीम सोल के। देखिए वही चीज की बात हम पहले कर रहे थे कि टीम सोल को थोड़ा सा बचना पड़ेगा, और गॉडलाइक आज पुश करते आपको नजर आएगी। सोल अक्षत अपने कंपाउंड में अंदर जा चुके हैं, हेक्टर भी उनका साथ देते नजर आएंगे, अटैक करने की कोशिश यहां पे करी जाएगी, बट बेहतरीन तरीके से अक्षत बाहर आते हैं, एक को नॉक करते हैं और खत्म करने की चाहत तो जरूर है। शैडो आगे बढ़ते हैं, टॉप टर्न के पास है, बट वहां पे अक्षत खत्म तो यहां पे कर देंगे, शॉट करने की कोशिश और करी जाएगी, एक ड्रॉप शॉट यहां पे दिया जाएगा, कवर भी आ चुका है, कैवलरी भी आ चुकी है, बट क्या ये कैवलरी सही साबित होगी? जी गॉड अपनी के साथ शॉट करने की कोशिश करते हैं, एक और प्लेयर को नॉक करेगा, बट शैडो नॉक करेंगे, फिनिश करेंगे, टीम सोल सडनली बाहर हो जाएगी। टीम सोल 16th प्लेस पे ऑलरेडी वो थे, और ये पहला मैच एक बड़ा झटका हड़ताल करने के लिए हमने कई बार देखा है, पर चलिए इंतजार किस बात का, चलते हैं सीधे मीरामार के इस रेगिस्तान में और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ। जी हाँ, बट ये पिकाडो पे क्या ड्रॉप क्लैश हो रहा है, गॉडलाइक मुझे वहां पर जाते आपको नजर आ जाएगी, और ये एक बहुत ही शानदार ड्रॉप क्लैश यहां पे होने वाला, बट सोल दे हैव प्लेड इट स्मार्ट दिस टाइम। आई मीन हम यहां पे बीच में बात कर रहे थे कि अगलते हैं तो टैंगो ने एक नॉक निकाला जरूर है, दोनों टीमें टीएसएम को भी चाहिए ये मैच, ईस्पोर्ट्स वालों को भी चाहिए ये मैच, और टीम सोल जरूरत है इस मैच की, बट पुश भी वैसा ही करते हुए क्या यहां पे बच पाएंगे, स्पेशली की कोशिश एक लेगो यहां पे नॉक करा था ट्रेड यहां पे निकाला जरूर जाता है, टीम ओजी दे ऑन द बैक फुट एंड हेक्टर एंड अक्षत पुश करते हुए डिफेंड करना बहुत जरूरी, अपने आप को हील करना भी चाहेंगे, बट गॉब्लिन मीनवाइल यहां पे खत्म कर दिए जाते हैं, व्हिच इज अ बैड साइन फॉर टीम सोल। अभी के लिए क्लोजिंग जरूर से करें, वहां पे एक और प्लेयर मौजूद है और एक बढ़िया शॉट आता हुआ एक के ओपी का डाउन करे जाएंगे टीम सोल के, एक और खिलाड़ी ड्रिगर यहां पर अंदर आने की कोशिश जरूर से कर रहे हैं, हेक्टर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, अगर यहां पर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब होंगे तो जरूर से टीम की जो उम्मीद है वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएंगी, बट हेक्टर यहां पर डाउन किए जाएंगे, ओमेगा पीछे की तरफ मौजूद जरूर से, ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, इट्स अ 1v1 नाउ ट्रिगर वर्सेस ओमेगा, ये फाइट क्वालिफिकेशन की भी हो सकती है, एक एक अंक इंपॉर्टेंट, ट्रिगर वहां पर काफी ज्यादा डैमेज देंगे, एलिमिनेशन टीम सोल का 15वें पायदान पे, रैंक 10 गेमिंग विल सर्वाइव, और ये सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट, बट टीम सोल मात्र दो मैचेस बाकी, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, क्या वो ग्रैंड फाइनल्स में कल के दिन पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रहने वाली है, सर्वप्रथम ऑफिशियल लैंड इवेंट यहां पर रहने वाला है और टीम्स छाया जाए, पर देखते हैं कि क्या मवी सुप्रीमेसी बाकी है, क्या बाकी की टीम्स क्वालिफाई कर पाएंगी। चलेंगे आज के दिन के तीसरे मुकाबले की तरफ, एरंगल का ये वर्चुअल वर्ल्ड जहां पे से निकलेंगे स्प्रेज, दो तीन लोग आएंगे वहां से बिल्कुल, साथ ही साथ एक ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिलता है, हालांकि डैमेज कुछ खास देने में कामयाबी नहीं मिलेगी, बट मीनवाइल टीम सोल के गॉब्लिन वहां पे पीपी को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे, अक्षत वहां पर एक और फिनिश निकालेंगे और चार फिनिशर्स जाते हुए टीम सोल के खाते में, बट टीएसएम वर्सेस सोल ये आज के दिन में अभी जब फाइट हो रही है तब से लेकर के अभी तक चले ही जा रहा है। अब नंबर्स इवन स्टीवंस हैं, एक्वानॉक्स को ये लोग खो चुके हैं, दूसरी तरफ वहां पर भी सोल ने एक खिलाड़ी को खोया है, एक ग्रेनेड गया है मेरे ख्याल से, हालांकि वो डाउन करेगा निंजा जॉर्ड को, और अब बाकी जो दो खिलाड़ी बचे उनको समझना पड़ेगा कैसे फाइट ली जाए। अक्षत के पास 34 गोलियां, ओवेस बिल्कुल सामने, दोनों के दोनों होनहार खिलाड़ी फाइट लेने की कोशिश, ओमेगा एक साइड से जाएंगे बट ओवेस को डाउन किया जाएगा, इनफैक्ट खत्म किया जाएगा, बट दिस टाइम There is no revive. Well, यहाँ पर टीम सोल की अगर हम बात करें, 6 फिनिशेस वो लेकर के जाएंगे, एंड टीम सोलो मेड देखने को मिलने वाली है, BMPS में भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, और अब अगर यहाँ पर भी वो क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो मुश्किल बढ़ेंगी, बट अभी के लिए TSM हमें जरूर से एक टॉप 16 में जरूर से देखने को मिलने वाली है। वही अगर हम बात करें टीम को, फिनिशेस लगातार निकालते जाएंगे और सर्कल की कुछ सोचते उनका फिनिश उठाया गया था, लेकिन ये फाइट निग्मा गैलेक्सी और एक्सो की ना होकर के मुझे लगता है सोल के खिलाड़ी यहां पर डेफिनेटली थोड़े बहुत मजे लेना चाहेंगे। गॉब्लिन ने स्पॉट किया अपोलो को, शॉट्स नहीं की कोशिश, लेकिन खुद को रखना है सेफ, ड्रीम्स कंटिन्यूअसली एनिमी सेट कर रहे होंगे, लेकिन अपोलो भी हो चुके डाउन, तो अपना फिनिश गॉब्लिन उठाएंगे, 6 फिनिश ले चुका है ये खिलाड़ी बिल्कुल, और अभी भी सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा। निग्मा गैलेक्सी से विक्स की जो है वो अभी भी एकमात्र खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, वही टीम सोल के बाकी के दो खिलाड़ी वीकर लेकर के ऑलरेडी सर्कल के अंदर जा रहे हैं, विक्स की पोजीशन रिवील है, डाउन किए जाएंगे, एलिमिनेशन निग्मा गैलेक्सी का, टीम सोल एक और कदम आगे बढ़ती हुई क्वालिफिकेशन के, 11 फिनिशर्स उनके पास मौजूद हैं, पीछे टीम एनिग्मा के सवितार भी हमें देखने को मिल जाएंगे, बट एक्सो हो सकता है बिल्कुल सामने की तरफ को, ग्रेनेड आए एक और खिलाड़ी को डाउन करने की यहां पर बिल्कुल कोशिश करी जा रही है, मल्टीपल ग्रेनेड्स नेड परेड होती हुई, सोल बचना मुश्किल उन दो खिलाड़ियों का, और ग्रेनेड जो है वो इतने सही इतने सटीक, लेकिन दूसरी साइड से गॉब्लिन अपने टीममेट्स के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, और ये ग्रेनेड्स उसका एक सही सही जवाब देखने को मिलता है, और उनके ग्रेनेड जाएंगे भी लगेंगे भी, लेकिन ये आगे जा रहे क्या अपने टीममेट को बचा पाएंगे, वही देखने वाली बात है अभी, और फिर से
जोन, टीम एक्सो की झोली में जाता हुआ गॉब्लिन वहां पे डाउन किया गया। अक्षत बचेंगे अब आखिरी खिलाड़ी, ई स्पोर्ट्स वाले की साइड से भी स्प्रे जाएंगे। गॉब्लिन का जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। अक्षत इज ऑल्सो डाउन, टीम सोल का एलिमिनेशन तीसरे पायदान पे। 12 फिनिशेस निकाले जरूर से। नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल लास्ट आने, बट वही अगर इस टीम की बात की जाए, एकमात्र मैच बचा है और वही काफी ज्यादा अंक लिए हैं इस मैच से, बट उस मैच पे सब कुछ निर्भर रहेगा। देखिए भाई, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन के चौथे मुकाबले की। सर्कल बनेगा, देखना ये सर्कल कहां बनने वाला है। आप पुकार को देखें अपनी टीम से कितना ज्यादा दूर वो घूम रहे हैं, और पूरा सर्कल इस वक्त सोल के खेमे में जाता हुआ काफी ऊपर की तरफ को। वहीं पर टीम एक्सपा की बात करी जाए, हाइड्रा के खिलाड़ियों के ऊपर नजर आ रहे हैं, बट गॉब्लिन इज पंपिंग अप द नंबर्स राइट नाउ। हालांकि ये पहला फिनिश होगा इनके लिए, बिग ब्रदर्स का एलिमिनेशन हो चुका है। बची है चार टीमें, हाइड्रा, निग्मा गैलेक्सी, टीम एक्सपा और टीम सोल। सीक्रेट का है और नंबर्स बढ़ाने, जूसी डाउन हो चुके हैं। गॉब्लिन ने निग्मा गैलेक्सी को दिक्कतें दी है। सोल इज एट अ फाइन फाइन प्लेस राइट नाउ। स्केप से सिक्स साथ उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलने वाला, विक्स के सामने मौजूद है। डार्क कोशिश कर रहे हैं अभी भी, बट देखना है क्या उनके पास पर्याप्त एमो है। जी हां, फिलहाल के लिए एमो उनके पास जरूर है। ड्रीम्स क्या उनके पास नेट्स अभी भी बचे हैं। एक बढ़िया थ्रोएबल्स यहां पे नुकसान में डाल सकती है टीम एक्सपाक को। चलिए वो ड्रीम्स की तरफ से तो नहीं, बट गॉब्लिन का वो ग्रेनेड, मावी डाउन किए गए, जूसी जो नॉक थे वो फिनिश हो गए। डार्क आखिरी खिलाड़ी इस वक्त टीम एक्सपाक से, वो आखिरी उम्मीद जो टीम एक्सपाक से हमें देखने को मिलने वाली, और हमें पता है कि डार्क है वो कर सकते हैं, बट नहीं, गॉब्लिन का वो एक और ग्रेनेड, टीम एक्सपाक का एलिमिनेशन चौथे पायदान पे। गॉब्लिन के ग्रेनेड्स पहले भी देखे इन लोगों ने, पहले भी ऑफिशियल टूर्नामेंट में गॉब्लिन ने अपने ग्रेनेड से जवाब दिया है। इस बार क्वालिफिकेशन का जवाब है तो वो सोल गॉब्लिन देते नजर आ रहे हैं। तीन सर्कल जैसे बात करी थी टीम सोल के, उन कंपाउंड्स के अराउंड बनता हुआ, लेकिन ऐसे में ही उसी चीज की शुरुआत हो चुकी है। जो रहेगा विनर्स सर्कल द जोन ऑफ द विनर्स, लेकिन उससे पहले गॉब्लिन यहां पर एक शुरुआत करेंगे वापस से, थोड़ा बहुत और शॉट डालने की कोशिश उनकी तरफ से, बट अक्षत वो कंफर्मेशन उठाएंगे। अपोलो को आगे निकलना पड़ेगा, स्मोक का इस्तेमाल करेंगे। ओमेगा जस्ट ओपन में आके ले गए, वहां पे एक स्मोक किया गया, वो स्मोक ड्रीम्स के द्वारा किया गया था, बट गॉब्लिन वो ग्रेनेड ऊपर के साइड पे गया था, डैमेज पड़ा। गॉब्लिन अपने आप को हील करते हुए, बट सीक्रेट को आप देखे, फाइनली विक्स का एक ग्रेनेड, गॉब्लिन डाउन, अक्षत उनको नीचे कूदना पड़ेगा। ओमेगा सबको यहाँ पे स्मोक कर रहा, ओमेगा का एक बढ़िया शॉट आता है, डाउन का एक बढ़िया ग्रेनेड आता है, ओमेगा डाउन, बट ड्रीम्स डाउन हो चुके हैं। अपोलो लास्ट खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, एक तो सामने मौजूद है अक्षत, उनको नीचे कूदना पड़ा। सीक्रेट क्या वो विनर चिकन डिनर निकाल के जाएंगे अपनी टीम के लिए, और अगर हाँ ओशन तो आप देखें कितना फायदा उनकी टीम को होने वाला है। अपोलो एकदम आगे की तरफ को जा रहे हैं, बिल्कुल खिलाड़ी को स्पॉट किया, लेकिन वहीं पर मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे। अक्षत की एचपी बहुत ज्यादा कम है इस समय, सीक्रेट चीजें बता सकते हैं। हाइड्रा लेकर के जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़िया पहुंचा जाए टीम सोल, मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा कि अपने आप को बड़े आसानी से टॉप 16 के अंदर वो पहुंचा जाएंगे। अमित, मेरे का जवाब कुछ हद तक मैं देना चाहूंगा, चलते हैं एक बार नजर डालते हैं और रैंकिंग की तरफ, जहाँ पे रहेंगी टीम सोल की छलांग तो देखिए, छठे पायदान पे आ गए। लग रहा था शायद क्वालिफिकेशन ना मिले, आज के दिन जब शुरू हुआ था तो सोलवे पायदान पे थे, अब 10 अंकों की छलांग के साथ आज के चार मैचेस के बाद वो अब छठे पायदान पे काफी खुश होंगे। टीम एक्सोर ओआर, लेकिन दूसरे पेज पर मेजी कहानी कुछ अलग है। बिल्कुल,